आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि गैलरी लॉक के पासवर्ड को रीसेट कैसे किया जाता है, हम अपने गैलरी लॉक एप्लीकेशन के पासवर्ड को फॉरगेट कैसे कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को भी दबा दीजिएगा। तो अगर आप अपने फ़ोटो को छुपाने के लिए, आप अपने मोबाइल के फ़ोटो को छुपाने के लिए इस वाले गैलरी लॉक का फ़ोटो लॉक ऐप, इस ऐप का इस्तेमाल करते थे और आप इसका पासवर्ड भूल गए हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि हम अपने गैलरी लॉक के पासवर्ड को रीसेट कैसे कर सकते हैं, एक नया पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के गैलरी लॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद कोई भी गलत पासवर्ड डालने पर यह एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा, चूँकि इसका आप पासवर्ड भूल गए हैं। तो हमें इसके पासवर्ड को रीसेट करना है और यहाँ पर आपको मोबाइल की स्क्रीन पर कहीं भी पासवर्ड फॉरगेट या पासवर्ड रीसेट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको करना यह है कि आप कोई भी गलत पासवर्ड आपको 3 से 4 बार एंटर करना है। आप कोई भी गलत पासवर्ड यहाँ पर 3 से 4 बार एंटर कीजिएगा तो आपको नीचे फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक रिकवरी क्वेश्चन का आंसर ऐड करने के लिए आपको बोलेगा। अगर आप अपने, जब आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए होंगे तो वहाँ पर आपको रिकवरी ईमेल और रिकवरी क्वेश्चन आंसर ऐड करना होता है। तो अगर आपने क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर ऐड किया होगा तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको आंसर ऐड कर देना है। आंसर ऐड कर दीजिएगा तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन आंसर वहाँ पर ऐड नहीं किया था तो आपको नीचे यूज रिकवरी ईमेल पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इस ऐप में जो जीमेल आईडी ऐड किए होंगे, जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए होंगे तो वहाँ पर आपको अपना एक जीमेल आईडी डालना होता है। तो आप जिस जीमेल आईडी को वहाँ पर ऐड किए होंगे वह जीमेल आईडी यहाँ पर आपको शो होने लगेगा, तो आपको सेंड कोड पर क्लिक कर देना है। सेंड कोड पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो पासवर्ड है आपके जीमेल में चला जाएगा। तो चलिए हम सेंड कोड पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने सेंड कोड पर क्लिक किया और यहाँ पर बता रहा है कि ईमेल इज सेंड, ऑल्सो चेक योर स्पाम फोल्डर। तो आपको अपने जीमेल के स्पाम फोल्डर में चेक करना है और यहाँ से उस पासवर्ड को एंटर कर देना है। तो चलिए हम अपने जीमेल में चलते हैं। तो यहाँ से हम अपने मोबाइल के जीमेल में आते हैं और मेल में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेल आया हुआ है, तो इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ऊपर जो है मेल, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर मेरा कोड जो है आ चुका है। यहाँ पर मेरा कोड है 4783 52। तो चलिए हम इसे वहाँ पर एंटर कर लेते हैं, 4783 52। तो यहाँ से हमने 4783 52 को ऐड किया। आप अपना पासवर्ड को यहाँ पर ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक नया पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप जो नया पासवर्ड रखना चाहते हैं उसे एंटर कीजिए। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद आपको इस सही वाले आइकन पर क्लिक करना है, एक बार फिर से कन्फर्म कर देना है और कन्फर्म करने के बाद आपको सही वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इतना कर देने के बाद आपका गैलरी लॉक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, आपका जो गैलरी लॉक का जो पासवर्ड है रीसेट हो जाएगा।